गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग दैट इज अलजेब्रा का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब पिछले बार हमने दैट इज लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था, उसको कैसे सॉल्व करना है वो हमने सीखा था। तो लीनियर इक्वेशंस जो रहते हैं, ये हम लोग जस्ट एक बार रिकैप करते। तो लीनियर इक्वेशन हमेशा फॉर्मेट में रहते हैं ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू क्या रहता है, जीरो। एंड इसका जो डिग्री रहता है, हाईएस्ट जो पावर रहता है कोई भी वेरिएबल का, ये कितना रहता है, दैट इज वन रहता है। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक में सबसे पहले इक्वेशन में जो हाईएस्ट जो वेरिएबल रहेगा, मतलब वेरिएबल का जो हाईएस्ट डिग्री रहने वाला है, ये कितना होगा, दैट इज टू। तो जब भी आपको कोई भी इक्वेशन उसमें वेरिएबल का डिग्री हाईएस्ट पावर जो रहता है वो आपको टू दिख गया, तो इमीडिएटली समझना है कौन सा टाइप का इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम लोग पहचानने का ट्राई करते कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या कौन सा इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिया गया। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देख सकते हैं जो हाईएस्ट पावर है ये कितना दिख रहा है, दैट इज टू है। तो ये जो इक्वेशन है इसका डिग्री कितना है, टू। तो डिग्री टू है, इसका मतलब ये क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। नेक्स्ट इसमें देख सकते हैं हम लोग का जो डिग्री है ये कितना आ रहा है, थ्री आ रहा है। थ्री आने का मतलब क्या, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा कि नहीं रहने वाला, तो ये नहीं रहेगा, रीजन बीइंग डिग्री टू नहीं है। अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको नोटिस होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या डिग्री कितना दिख रहा है आपको, रेस टू कितना है, वन। लेकिन नोटिस क्या कर सकते हो, इधर एक एक्स नीचे है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग कोई चीज को हटाने रहता है डिनोमिनेटर से, हम लोग वही चीज से क्या करेंगे, हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, एक्स इंटू एक्स बनेगा एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स और एक्स कैंसिल आउट होगी कितना आएगा, वन। माइनस यहाँ पे क्या होगा, थ्री एक्स इक्वल टू कितना होगा, जीरो। ने मल्टीप्लाई थ्रू बाय क्या क्या एक्स किया है। तो यहाँ पे अभी क्या नोटिस कर रहा है, हाईएस्ट पावर कितना है, टू। तो मतलब ये क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। अभी ये स्टार्टिंग में ऐसे देख के आपको दिखेगा, अरे इधर एक्स का पावर वन है, इधर भी एक्स का पावर वन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव। आप क्या करोगे, पहले एक्स को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर माइनस थ्री को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे आएगा एक्स इंटू क्या आएगा, एक्स प्लस थ्री, माइनस थ्री इंटू यहाँ पे होगा एक्स प्लस थ्री इक्वल टू इधर क्या होगा, जीरो। और वापस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, तो इधर क्या है, एक्स को एक्स के साथ, एक्स को थ्री के साथ, वैसे माइनस थ्री को एक्स के साथ, माइनस थ्री को फोर के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इधर आएगा थ्री एक्स, माइनस क्या होगा, थ्री एक्स, क्योंकि एक साइन माइनस है तो क्या होगा, माइनस। और यहाँ पे होगा माइनस नाइन प्लस थ्री एक्स, माइनस थ्री एक्स क्या होगा, कैंसिल। हमारे पास यहाँ पे बचने वाला है एक्स स्क्वायर माइनस नाइन। अब नोटिस हो रहा है हाईएस्ट पावर कितना है, टू, मतलब ये क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। चलो अब इधर देख, अब इधर भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या देखिएगा, आपका एम का पावर रेस टू कितना है, वन। लेकिन अगर आप इसको पूरे ध्यान से देखोगे क्या है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर दैट इज एम का स्क्वायर, टू इंटू थ्री इंटू एम कितना होगा, सिक्स एम, प्लस थ्री का स्क्वायर कितना होगा, नाइन, इक्वल टू कितना होगा, जीरो। क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है कितना है, दैट इज टू। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट में देखते हैं। अब नेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो देखिए, अरे ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे दोनों का पावर वन और वन, जब पावर्स क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, तो उनका पावर्स क्या होता है, ऐड। तो ये जो ओवरऑल जो पार्ट है इसका डिग्री कितना आ रहा है, दैट इज टू, मतलब ये क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे तभी मैं आपको वापस याद दिलाऊंगा दैट इसे एक्स वाई कैसे आएगा। हम लोग वर्ड प्रॉब्लम जब करेंगे तभी ऐसे टाइप की इक्वेशंस आएंगे जहां पे हम लोग क्या करेंगे, वाई का सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ओके, अब यहां पे देखते हैं ये वाले, इसमें ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, नेक्स्ट वाला देखते हैं।
यहाँ पे पी नीचे आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय क्या करेंगे पी, तो इधर आएगा पी क्यू, यहाँ पे पी इंटू वन अपॉन पी, और यहाँ पे जीरो इंटू एनीथिंग क्या होगा, जीरो, पी और पी क्या होगा कैंसिल, पी क्यू माइनस यहाँ पे क्या आ रहा है वन इक्वल टू क्या हो रहा है जीरो। क्या नोटिस हो रहा है, हाईएस्ट जो पावर है कितना है, थ्री है, इसका मीनिंग ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको दिखेगा कि अरे यार ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि डिग्री टू है, लेकिन यहाँ पे पी डिनोमिनेटर में आने की वजह से हम लोग मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय क्या करेंगे, पी करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट इज, यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते यहाँ पे भी क्या है, हाईएस्ट पावर कितना है टू, लेकिन अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे प्लस टू एक्स स्क्वायर इधर गया तो क्या होगा माइनस टू एक्स स्क्वायर, ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट होगा, हमारे पास क्या बचेगा माइनस थ्री एक्स प्लस क्या बच रहा है फोर। है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट जो डिग्री है ये कितना आ रहा है दैट इज वन आर, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। वेरी सिमिलरली अगर यहाँ पे दिया गया एक्स वाई माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी फोर एक्स प्लस टू इक्वल्स टू क्या दिया गया दैट इज माइनस एक्स वाई, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, माइनस एक्स वाई इधर आके क्या होगा प्लस एक्स वाई माइनस फोर एक्स प्लस टू इक्वल टू क्या होगा जीरो, टू एक्स वाई माइनस फोर एक्स प्लस टू इक्वल टू क्या होगा जीरो। है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफकोर्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वन और वन टुगेदर एड करके कितना होगा टू, यहाँ पे भी हमें मालूम है क्या करना, वाई का सब्सटीट्यूशन करना है, ये हम लोग जब वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे तभी ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स आएंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया एम स्क्वायर टू एम स्क्वायर माइनस थ्री एम इक्वल्स टू माइनस टू एम स्क्वायर। ओके, पहले इसको क्या करना, सबको एक साथ लाना, माइनस टू एम स्क्वायर इधर गया तो क्या होगा प्लस टू एम स्क्वायर, और माइनस थ्री एम तो वैसे अपने जगह पे है। नेक्स्ट इज, दोनों को ऐड किया तो ये बन जाएगा फोर एम स्क्वायर माइनस थ्री एम इक्वल्स टू क्या होगा जीरो, हाईएस्ट डिग्री कितना है दैट इज टू, इसका मतलब क्या रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। अब आते इसका जो सेकेंड टॉपिक है दैट इज फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। अब वो कैसे करते, लिख के रखना फाइंडिंग वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। तो लेट से हम लोग को यहाँ पे दिया गया एम प्लस सॉरी एम स्क्वायर प्लस टू एम माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, हम लोग क्या करेंगे इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल्स टू क्या होगा जीरो। क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, मतलब जो ए का वैल्यू रहेगा ये कितना आएगा वन, बी का जो वैल्यू है ये कितना होगा टू, सी का वैल्यू क्लियरली दिख रहा है कितना आ रहा है दैट इज माइनस थ्री। वैसे लेट से हम लोग के पास दिया गया थ्री वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टू वाई प्लस क्या दिया गया थर्टीन, हमें सबसे पहले चीज क्या करना है सबको रीअरेंज करके एक साथ लाना है, तो यहाँ पे होगा थ्री वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस थर्टीन, दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस थर्टीन। अभी कंपेयर करना किसके साथ कंपेयर करेंगे, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू क्या होगा जीरो, ए का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा थ्री, बी का वैल्यू कितना होगा माइनस टू, सी का वैल्यू कितना होगा दैट इज माइनस थर्टीन। वैसे लेट से हम लोग को दिया है एम माइनस थ्री द होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस यहाँ पे क्या दिया है एम माइनस क्या दिया है थ्री, ओके सर प्लस थ्री डाल, ओके तो पहले चीज तो इधर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा ए प्लस बी द होल स्क्वायर, तो आएगा ए स्क्वायर, अब इधर माइनस आएगा क्यों, क्योंकि बीच में माइनस है तो माइनस टू ए भी आएगा, टू इंटू थ्री इंटू एम, टू थ्री सिक्स इंटू एम सिक्स एम प्लस बी का स्क्वायर होता है, तो बी का स्क्वायर कितना होता है नाइन दैट इज थ्री का स्क्वायर। इसको फॉर्मूला नहीं पता मैं यहाँ पे लिख के देता हूं, ए प्लस बी द होल स्क्वायर ये आएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस यहाँ पे होगा बी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे ए माइनस बी द होल स्क्वायर ये इक्वल टू आएगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस यहाँ पे होगा बी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे बाहर माइनस साइन है,
माइनस क्या करता है, सबका साइन को चेंज करता है, तो इधर आएगा माइनस एम, माइनस क्या होगा थ्री, माइनस एम इधर गया तो क्या होगा प्लस एम, माइनस थ्री दूसरे गया तो क्या होगा प्लस थ्री, फिर ये बन जाएगा एम स्क्वायर। पॉजिटिव नेगेटिव नंबर है तो क्या करना है सब्ट्रैक्ट, एंड बड़े नंबर का साइन डालना है माइनस, पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड करना है, बड़े नंबर का साइन क्या डालना है प्लस। अब कंपेयर करेंगे इसके साथ सेम, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल्स टू जीरो के साथ। क्लियरली आपको दिखेगा ए का वैल्यू कितना है वन, बी का वैल्यू इज माइनस फाइव, सी का वैल्यू ओवर ईयर इज 12। ठीक है, आई होप यहां तक अच्छे से क्लियर है, एक दो और एग्जाम्पल्स करते। ओके, अब ये क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय क्या करेंगे एम, तो 2m को किसे मल्टीप्लाई करेंगे एम से, माइनस एम को मल्टीप्लाई करेंगे 3 अपॉन एम से, और यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे एम से, एम और एम क्या होगा कैंसिल, तो ये बन जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 3, और इधर आएगा 4m प्लस 4m, इधर गया तो क्या होगा माइनस 4m, माइनस 3 अपनी जगह पे रहेगा यहाँ पे, ए का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे 2, बी का वैल्यू कितना होगा दैट इज माइनस 4, सी का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा माइनस 3। ठीक है, अब आते दैट इज इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज फाइंडिंग रूट। ओके, तो लेट से हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल्स टू क्या बोला गया जीरो। ओके, अब हमें यहाँ पे चेक करना है, सॉरी इधर प्लस डालते, हमें यहाँ पे चेक करना है वेदर x इक्वल टू 6, 9, 18 या 3 जो है इसका रूट है या नहीं, ये हमें चेक करना है। ठीक है, ओके चलो इधर माइनस वो बाद में करते, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किसे करेंगे x इक्वल टू 6, हमें बस क्या करना है जो एल एच एस जो है उसको सॉल्व करके बताना है किसके बराबर है, जीरो है करके बताना है। सो विल स्टार्ट विद दिस, तो यहाँ पे सबसे पहले इधर आएगा, इधर सॉरी इधर माइनस डालते हैं, एक सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे होगा 6 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू यहाँ पे होगा 6 प्लस इधर कितना हो गया 54, 6 का स्क्वायर होगा 36, इधर होगा 90, यहाँ पे होगा 54। सॉल्व करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाना है, पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंट टाइप के नंबर्स है तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट, बड़े नंबर का साइन आएगा माइनस, ऊपर जैसे सॉल्व करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव डिफरेंट टाइप के नंबर्स है तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट, 54 माइनस 54 होगा जीरो। क्या लिखेंगे, एल एच एस इक्वल टू किसके बराबर है आर एच एस के, देयर फोर एक्स इक्वल टू 6 इज अ रूट। वैसे एक और करेंगे, नेक्स्ट क्या था एक्स इक्वल टू 9, जैसे मैंने बोला क्या सॉल्व करना एल एच एस, तो यहाँ पे आएगा 9 का स्क्वायर 15 इंटू 9 प्लस इधर कितना होगा 54, 81, 15 9 सही होएगा 135 प्लस यहाँ पे ये कितना होगा 54। सॉल्व करते इधर से इधर जाना, 81 एंड 135 है, बड़े नंबर का साइन माइनस, डिफरेंट नंबर से तो ये क्या होगा सब्ट्रैक्ट होके 54 होगा, डिफरेंट टाइप के नंबर्स है तो सब्ट्रैक्ट होके कितना होगा यहाँ पे जीरो। एल एच एस इज इक्वल टू क्या आ गया आर एच एस, देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं एक्स इक्वल टू 9 इज अ रूट। वैसे नेक्स्ट हम लोग करेंगे इसके लिए एक्स इक्वल टू 18 के लिए, यहाँ पे भी सेम एल एच एस, यहाँ पे होगा 18 का स्क्वायर 15 इंटू यहाँ पे होगा 18 प्लस यहाँ पे होगा 54, 18 का स्क्वायर इज 324 माइनस 15 इंटू 18, तो ये बन जाएगा 300 प्लस इधर कितना आ रहा है 54। सॉल्व करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाना है,
बड़े नंबर का साइन प्लस, डिफरेंट टाइप के नंबर है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। दोनों के साइन सेम है तो ऐड होके कितना होगा, 78। इधर क्या दिख रहा है आपको, एल एच एस इज नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है, आर एच एस, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 18 इज नॉट अ रूट। वैसे लास्ट करेंगे क्या था, एक्स इक्वल टू 3, तो यहाँ पे एल एच एस को सॉल्व करेंगे, इधर आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू क्या होगा 3, प्लस इधर होगा 54, 3 का स्क्वायर होगा 9, 15 थ्री जा 45, प्लस इधर कितना होगा 54। ओके, यहाँ पे बड़े नंबर का साइन इज माइनस, डिफरेंट नंबर्स है तो यहाँ पे हो जाएगा सब्रैक्ट, ये बन जाएगा दैट इज 36। नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप के नंबर्स है तो वापस यहाँ पे क्या होगा, सब्रैक्ट, आंसर कितना आ गया, 8। क्लियरली नोटिस हो रहा है एल एच एस आर एच एस के क्या नहीं है, बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स इक्वल टू 3 इज नॉट अ रूट। ओके, एक और एक करते हैं यहाँ पे, लेट्स से इस बार हम लोग एक्स का वैल्यू कितना ले रहे, दैट इज 0, एक्स का वैल्यू कितना ले रहे, दैट इज 5/3, एंड दूसरा एक्स का वैल्यू कितना ले रहे, दैट इज -5/3। ओके, तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्स इक्वल टू 0 से, एल एच एस वाला पार्ट करेंगे, तो यहाँ पे कितना होगा, 0 माइनस कितना होगा, 25/ क्या होगा, 9, सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे कितना हो रहा है, -25/ क्या हो रहा है, 9। क्लियरली हमें दिख रहा है एल एच एस इज नॉट इक्वल टू क्या है, आर एच एस, देयरफॉर क्या बोलेंगे, एक्स इक्वल टू 0 इज नॉट अ रूट। नेक्स्ट, एक्स इक्वल टू यहाँ पे कितना था, 5/3, एल एच एस इक्वल टू इधर होगा 5/3 का यहाँ पे होगा स्क्वायर माइनस इधर होगा 25/ क्या होगा, 9, 5 का स्क्वायर कितना होगा, दैट इज 25, 3 का स्क्वायर होगा 9, दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे कितना हो रहा है, दैट इज 0। क्लियरली हमें दिख रहा है एल एच एस इज इक्वल टू क्या है, आर एच एस, देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स इक्वल टू 5/3 इज अ रूट। वैसे नेक्स्ट, एक्स इक्वल टू क्या रहेगा, -5/3 एल एच एस, यहाँ पे आ जाएगा -5/3 का क्या होगा स्क्वायर, -5 का स्क्वायर होगा 25, 3 का स्क्वायर होगा 9, -25/ क्या होगा, 9 कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 0। याद रखना नेगेटिव का स्क्वायर भी ये रहता है, क्योंकि माइनस कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, इसके लिए माइनस जब इवन नंबर्स में रिपीट होता है तो साइन क्या आता है, प्लस आता है। यहाँ पे एल एच एस इज इक्वल टू क्या है, आर एच एस, देयरफॉर क्या बोलेंगे, एक्स इक्वल टू -5/3 इज अ रूट। तो इसी के साथ हम लोग जस्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें बोला गया डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर नॉट। अभी ये टाइप के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहले भी किए हैं, तो जस्ट आपको करके देता हूं, ध्यान देना। पहले इधर क्या करना है, एम को डिस्ट्रीब्यूट करना है किसके साथ, पूरे ब्रैकेट के साथ, और फिर प्लस 2 को डिस्ट्रीब्यूट करना है किसके साथ, पूरे ब्रैकेट के साथ, तो यहाँ पे होगा, अभी एम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों जन के साथ, इधर आएगा एम स्क्वायर -5m, फिर 2 को डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों के साथ, तो इधर आएगा 2m, एक साइन माइनस है तो क्या आएगा, माइनस 2 5 कितना होगा, दैट इज 10 एम स्क्वायर। अब इनको सॉल्व करेंगे तो कैसा है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, डिफरेंट टाइप के नंबर है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट, बड़ा कौन है 5, तो उसका साइन आएगा माइनस, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यों, बिकॉज डिग्री इस कितना है, 2।
अब ये वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सबको एक साइड लेके आएंगे, तो 0 इक्वल्स 2, 3 MQ प्लस MQ यहाँ पे गया तो क्या होगा, -MQ प्लस 3 M² इधर गया तो क्या होगा, सॉरी माइनस होगा, एंड -2 इधर गया तो क्या होगा, +2। 0 इक्वल्स 2, इधर आएगा 2 MQ प्लस 3 M², सॉरी इधर माइनस है, प्लस इधर क्या होगा 2। तो ऑफकोर्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका रीजन क्या है, डिग्री इस कितना है, दैट इज 3। बहुत जिनको लगे अरे ये सर ने क्यों सॉल्व किया करके, तो अगर सपोज लेट से ऐसा क्वेश्चन होता, अब इधर ध्यान देना, अगर 0 इक्वल्स 2 इधर आएगा MQ प्लस MQ भी यहां पे गया तो क्या होगा, -MQ प्लस 3 M² -2 प्लस MQ -MQ क्या हो गया, कैंसिल। अब दिख रहा है क्यों सॉल्व करना पड़ता है करके, कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि क्या होगा, जो क्यूब वाला टर्म है वो कैंसिल आउट हो सकता है। अब क्या हो गया, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यों, क्योंकि डिग्री 2 है। तो इसीलिए हमेशा सॉल्व करने का हैबिट करो, इवन दो आपको पता है ऊपर ऊपर से आप देख के बोल सकते हो कि ये, लेकिन कभी कभी वो आपको भारी पड़ सकता है, इसीलिए हर स्टेप को आप करके बताना। ओके, तो यहां पे हमें दिया है एक्स प्लस 1/x = दिया गया -2। करना क्या चाहिए, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई क्या करेंगे एक्स, क्योंकि एक्स जब भी नीचे आते, हमने पहले भी किया है किसमें, लीनियर इक्वेशंस में जब फ्रैक्शंस होता है, तो सेम चीज इधर भी अप्लाई होता है। तो x² आएगा, x और x कैंसिल आउट, कितना होगा 1, यहां पे होगा -2x। रीअरेंज करेंगे तो x² -2x इधर गया तो क्या होगा, +2x प्लस 1 = क्या हो गया 0। क्या दिख रहा है यहां पे, जो हाईएस्ट डिग्री है इस कितना है 2, देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट इज y² प्लस 1/y = क्या होगा 2। क्या करेंगे, y नीचे आ रहा है तो मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय क्या करेंगे y, y³ प्लस 1 = इधर 2 × y होगा, प्लस 2y इधर गया तो क्या हो गया -2y प्लस 1 = क्या होगा 0। डिग्री इस कितना है यहां पे 3, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यों, क्योंकि डिग्री कितना है यहां पे 2 है। नेक्स्ट यहां पे 2y = 10 -y² -y² इधर गया तो क्या होगा +y² प्लस 2y प्लस 10 इधर गया तो क्या होगा -10। ये हो गया, क्लियरली दिख रहा है यहां पे डिग्री कितना है, दैट इज 2, देयरफॉर इट इज क्या है यहां पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नेक्स्ट वाला करते, नेक्स्ट वाले में पी को किसे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, पी को मल्टीप्लाई करना है किससे, 6p से। तो यहां पे कितना होगा, यहां पे बन जाएगा 3p प्लस 6p² इक्वल्स टू कितना होगा -5। तो इधर बन जाएगा 6p² प्लस 3p -5 इधर गया तो क्या होगा +5 इक्वल्स टू कितना होगा 0। क्लियरली दिख रहा है जो हाईएस्ट डिग्री है कितना है, दैट इज 2, देयरफॉर इट इज क्या बोला गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके आगे और एक चीज बोला है, क्या बोला है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन है इसको क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर करेंगे किसके साथ, ay² प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू क्या होगा 0। क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 1, बी का वैल्यू कितना है 2, सी का वैल्यू कितना आ रहा है -10। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग किसका कंपेयर करेंगे, ap² प्लस bp प्लस सी इक्वल टू क्या होगा 0। ए का वैल्यू कितना होगा 6, बी का वैल्यू कितना होगा 3 एंड सी का वैल्यू कितना रहेगा, दैट इज 5। नेक्स्ट में वापस
एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स है, माइनस सबका साइन को क्या कहता है, चेंज, तो इधर आएगा माइनस थ्री, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस एक्स, सबको एक साइड लेके आएंगे, प्लस एक्स इधर गया तो क्या होगा माइनस एक्स, माइनस थ्री यहाँ पे गया तो क्या होगा प्लस थ्री, दोनों का साइन डिफरेंट है तो यहाँ पे क्या होगा सब्रैक्ट, इधर आएगा प्लस थ्री इक्वल टू क्या होगा जीरो, ए का वैल्यू कितना है वन, बी का वैल्यू कितना है फोर, सी का वैल्यू यहाँ पे कितना है थ्री, ठीक, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऑफकोर्स कंपेयर किसे करेंगे वही बता देना, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो के साथ। सिमिलरली इधर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन प्लस थर्टीन इधर गया तो क्या होगा माइनस थर्टीन इक्वल्स टू क्या होगा जीरो, दोनों का साइन सेम है तो क्या होगा एड, बड़े नंबर का साइन यहाँ पे क्या डालना है माइनस, कंपेयर किसका करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू क्या होगा जीरो, क्लियरली दिख रहा है ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है दैट इज वन, बी का वैल्यू, बी है ही नहीं यहाँ पे, कोई एक्स का टर्म ही नहीं है तो बी का काम कौन कर रहा है जीरो, सी का काम इधर कौन कर रहा है दैट इज -22 जो कांस्टेंट वाला टर्म है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि चेक करने की ये रूट है या नहीं, तो हम लोग स्टार्ट किसे करेंगे, m इक्वल टू किससे स्टार्ट करना है, टू से, हम लोग सिर्फ LHS वाले पार्ट को करेंगे तो यहाँ पे आएगा टू इंटू टू का स्क्वायर फाइव इंटू यहाँ पे आएगा टू, टू का स्क्वायर यहाँ पे कितना होगा फोर, फाइव टू जा कितना होगा टेन, टू फोर जा यहाँ पे होगा एट माइनस टेन कितना होगा यहाँ पे हो जाएगा माइनस टू। LHS नॉट इक्वल टू क्या है RHS, देयरफॉर m इक्वल टू टू इज नॉट अ रूट। ओके अब आते इसका सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में m को कितना लेने बोला, दैट इज फाइव अपॉन टू LHS इक्वल टू यहाँ पे आएगा टू इंटू फाइव अपॉन टू का क्या होगा स्क्वायर माइनस फाइव इंटू यहाँ पे भी कितना होगा फाइव अपॉन टू, नेक्स्ट ये बन जाएगा टू इंटू फाइव का स्क्वायर कितना होएगा 25, टू का स्क्वायर कितना होगा फोर, यहाँ पे कैसे टाइप का फ्रैक्शन है मल्टीप्लाई वाला, मल्टीप्लाई वाला फ्रैक्शन में लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर 25, नीचे टू इंटू वन कितना होगा टू, टू और ये फोर यहाँ पे क्या होने वाला है कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे हमारे पास बचने वाला है 25 अपॉन टू माइनस यहाँ पे क्या होगा 25 अपॉन क्या हो रहा है टू। ओके यहाँ पे क्या आएगा कॉमन डिनोमिनेटर कितना है टू, इधर कितना है 25 माइनस कितना हो रहा है 25 विच इज कितना हो रहा है जीरो अपॉन टू विच इज यहाँ पे कितना हो रहा है जीरो, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या LHS इक्वल टू यहाँ पे क्या है RHS, देयरफॉर m इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है फाइव अपॉन टू इज अ रूट, रूट मतलब क्या है ये क्या कर सकता है, ये इक्वेशन में वैल्यू को क्या कर सकता है, इक्वेशन को जीरो बना सकता है। ओके अब नेक्स्ट में क्या देखा, नेक्स्ट में हमें बोला है k का वैल्यू फाइंड करने बोला है, ठीक है, क्या बोला है k का वैल्यू फाइंड करना है, अगर x क्या रहेगा तीन, तो हमें पहले से ही क्लियरली पता है कि यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना है करके तीन है करके दिया है और बोला है इट इज रूट ऑफ क्या बोला गया दैट इज इक्वेशन, तो देयरफॉर यहाँ पे कितना होगा दैट इज के इंटू इधर होगा थ्री का स्क्वायर टेन इंटू यहाँ पे कितना होगा थ्री प्लस यहाँ पे थ्री इक्वल टू कितना होगा जीरो, नेक्स्ट पार्ट इधर होगा थ्री का स्क्वायर कितना होगा नाइन के माइनस थर्टी प्लस थ्री इक्वल टू कितना होगा जीरो, बड़े नंबर का साइन यहाँ पे माइनस, डिफरेंट टाइप के नंबर्स है तो ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट होके यहाँ पे 27 होगा, माइनस 27 दूसरी तरह जाएगा तो क्या होगा प्लस 27,
इक्वल्स टू इधर बनेगा 27 अपॉन क्या होगा 9, 9 और 27 कैंसिल आउट होके कितना होगा, देयरफॉर वैल्यू ऑफ के कितना होगा, दैट इज 3। जो लास्ट क्वेश्चन है वैसे एक और एक टाइप का क्वेश्चन करते, लेट्स से हम लोग को दिया गया एक्स स्क्वायर 5x² माइनस 3 kx प्लस 15 इक्वल टू क्या दिया गया 0, एक्स इक्वल टू 3 इज क्या बोला गया रूट, और क्या बोला है के का वैल्यू ढूंढना है। तो कैसे करें, चलो इधर 6 लेते, 6 क्या करना है, सेम वैसे 5 इंटू इधर कितना होगा 6 का स्क्वायर 3 इंटू के एज इट इज, और इधर कितना होगा 6 प्लस यहाँ पे 15 इक्वल टू क्या होगा 0, 6 का स्क्वायर ये बन जाएगा 36 माइनस यहाँ पे कितना होगा 3 6 18 इंटू के, यहाँ पे लेट से 18 लेते, ओके अब नेक्स्ट क्या होगा, 5 इंटू 36 ये हो जाएगा 180 माइनस 18 के प्लस 18 इक्वल्स टू क्या होगा 0, 180, और इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों नंबर्स है, इनको हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों का साइन सेम है तो क्या होगा ऐड होके ये बन जाएगा। अब क्या करना है, नंबर को दूसरी साइड लेके आना है, इधर आएगा माइनस 18 के प्लस 190 इधर गया तो क्या होगा माइनस, माइनस और ये माइनस क्या होगा यहाँ पे कैंसिल, के इक्वल्स टू होगा 198 अपॉन यहाँ पे होगा 18, ये दोनों कैंसिल आउट होके इधर कितना होगा दैट इज 11। तो वैल्यू ऑफ के जो है कितना आ रहा है दैट इज 11। आई होप ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपका पूरा क्लियर रहेगा। अब हम लोग इसके बाद सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले, दैट इज क्या, फैक्टराइजेशन। ओके अब ध्यान सुनना, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कौन से फॉर्म में लिखते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में सीखा था ax² प्लस bx प्लस कौन से फॉर्म में लिखते हैं, c के फॉर्म में। अब मैं आपको फैक्टराइजेशन जब सॉल्व करूंगा तो आपको मैं एक और एक फॉर्मेट सिखाऊंगा। अभी फॉर्मेट क्या है यहां से देखना, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कैसे लिखते हो, x² माइनस अंदर क्या आता है सम ऑफ द रूट्स, बाहर आएगा x प्लस इधर क्या आएगा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू क्या होगा 0। ओके अब इसका क्या मतलब है, तो ध्यान से देखना, जैसे कि हम लोग फर्स्ट सम में देखते हैं x² माइनस अंदर क्या आएगा 7, इसके बाहर क्या आएगा x प्लस इधर क्या आना चाहिए 10 इक्वल टू क्या आएगा 0। इसका मीनिंग क्या है, मतलब यहां हमें दो नंबर्स चाहिए जिनको ऐड किया तो मुझे कितना मिलना चाहिए 7, और यहां पे हमें दो नंबर्स चाहिए जिनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए 10 मिलना चाहिए। आई होप ये पार्ट अच्छे से आपको क्लियर है। एक और बार समझाता हूं, मैंने क्या किया सबको मैंने ब्रैकेट के फॉर्मेट में लिखा, इधर दिख रहा है माइनस साइन चाहिए तो मैंने क्या किया माइनस को बाहर ही ले लिया, अंदर क्या आ रहा है 7, ये 7 क्या इंडिकेट करेगा कि मुझे दो नंबर्स ऐसे ढूंढने जिनको ऐड करने पे मुझे मिलेगा 7। वैसे यहां पे 10 क्या इंडिकेट करेगा कि ऐसे दो नंबर्स मुझे चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगा 10 मिलेगा। अब ध्यान से देखना कैसे कर रहा हूं, तो यहां पे मैंने लिखा 10 क्योंकि 10 का हमें क्या चाहिए फैक्टर्स। ओके इधर आएगा दैट इज 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर कितना मिलेगा 5, इधर आएगा 5 और यहां पे क्या आएगा 1। क्लियरली दिख रहा है मेरे को दो नंबर्स यहां पे मिल गए, नंबर्स क्या है एक है 5 और दूसरा क्या है दैट इज 2 है। अब ध्यान से देखना कैसे लिख रहा हूं मैं, x² माइनस इसको वैसे लिखा, हमेशा पहले बड़े नंबर को लिखना एंड देन छोटे नंबर को, और इधर कितना होगा x, सेम चीज यहां पे भी इधर 5 इंटू यहां पे क्या होगा 2। ओके अब ध्यान से देखना
मैंने क्या किया यहाँ पे, अगर मैं इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐड करना पड़ेगा कि सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वो सोचो। क्लियरली दिख रहा है मुझे दोनों नंबर्स को क्या करना पड़ेगा, ऐड, तब जाके मुझे क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। ओके तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब ध्यान से देखना, फाइव किसके साथ आएगा यहाँ पे, एक्स के साथ, तो बनेगा फाइव एक्स। यहाँ पे माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस, टू इंटू एक्स क्या बनेगा, टू एक्स, प्लस यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 10, इक्वल टू कितना होगा, जीरो, एक्स स्क्वायर। आई होप यहां तक तो सब लोग क्लियर है। इसको एक और ढंग से सिखा दो, एक सेकेंड सम से, ध्यान से देखना। यहां पे लिखा मैंने एक्स स्क्वायर, इधर माइनस, ब्रैकेट के अंदर क्या आना चाहिए, थ्री, बाहर क्या आना चाहिए, एक्स, माइनस कितना आना चाहिए, 10, इक्वल टू यहां पे आएगा जीरो। ओके अब ध्यान से देखना, पहले हम लोग फैक्टर्स किसका निकालेंगे, 10 से। लेट्स, आपको फर्स्ट सम नहीं समझते, सेकंड सम जरा ध्यान से देखो, 2 से हम लोग क्या करेंगे, यहां पे डिवाइड, यहां पे कितना होगा 5, इधर कितना होगा 5, यहां पे कितना होगा, दैट इज 1, और इधर आएगा 1। अब ध्यान देना, मुझे कुछ भी करके क्या लाना है, 3 लाना है, क्या करके, नंबर्स को एड या सब्ट्रैक्ट करके, और मुझे कुछ भी करके क्या करना है, 10 लाना है, क्या करके, वही सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके। सो पहला मैं नंबर किसको लेता हूं, 5 लेता हूं, और क्या लेता हूं, 2। क्लियरली यहां पे दिख रहा है 5 और 2 को मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मेरा नंबर्स क्या है, तो मेरा नंबर्स यहां पे है, दैट इज 5 कॉमा क्या है, -2। ओके यहां पे देखना, नेक्स्ट मुझे यहां पे क्लियरली दिख रहा है क्या चाहिए, मुझे चाहिए -10, तो इधर आएगा 5 इंटू -2, ये क्या देगा मुझे, -10। तो यहां पे 5 और -2 मेरे क्या रहेंगे, रूट्स रहेंगे, तो इधर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट के अंदर आएगा 5, पहले हमेशा बड़ा नंबर लिखना, एंड देन क्या आएगा, छोटा नंबर। ओके 10 को तो वैसे रखने से कुछ करना नहीं है, हमें से वो चेक करने के लिए यूज करना है। इधर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x होएगा, माइनस साइन चेंज करेगा तो यहाँ पे होगा प्लस 2x, इधर आएगा -10। ओके अब ध्यान से देखना, जिनको स्टिल नहीं समझा, एक और एक सम करा तो ध्यान से देखना। ओके अब यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस को बाहर लिखूंगा, अंदर क्या आएगा 5, बाहर क्या लिखा एक्स, प्लस क्या है 6। ओके अब ध्यान से देखना, मुझे क्या चाहिए, 5 चाहिए, क्या करके, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, मुझे 6 चाहिए मल्टीप्लाई करके। अब ध्यान से देखना, तो यहां पे कितना आएगा, दैट इज 6। ओके ऑफ कोर्स पहले क्या आएगा, 2 से डिवाइड होगा, यहां पे आएगा 3, और इधर कितना होगा, 1। ओके अब ध्यान से देखना, मुझे क्या चाहिए, दैट इज 5 चाहिए, ऑफ कोर्स पहले मैं बड़ा नंबर लिखूंगा 3, और फिर क्या लिखूंगा, छोटा नंबर। ओके 3 प्लस 2 क्या, तो क्या मिलेगा, 5, तो हमारा नंबर्स क्या रहेगा, 3 और क्या रहेगा, 2। पिछले बार 5 और क्या किया था, माइनस करने पे मुझे क्या मिलेगा, 3, तो नंबर्स क्या रहेगा, 5 और -2। ओके अब यही सेम नंबर्स को मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं, 3 2 जा, ओके तो मुझे क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है, तो हमारा फैक्टर्स क्या रहेगा, 3 और क्या रहेगा, 2। ये फैक्टर्स क्या हो गए, करेक्ट हो गए। तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट में आएगा 3 प्लस 2 इंटू यहाँ पे होगा एक्स, प्लस 6 इक्वल टू कितना होगा, 0। अब इधर -3x, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, -2x, प्लस 6 इक्वल टू 0। चलो अब आते नेक्स्ट सम की ओर। ओके इधर देखना, जैसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप, उसको लिखना कैसे है वो बस सीख लेना। इधर आएगा माइनस, अंदर आएगा 4, बाहर आएगा एक्स, माइनस क्या है 12, इक्वल टू क्या है 0। ओके अब मेन चीज क्या है, सेम वही करना है, 12 के पहले क्या करो, फैक्टर्स निकालो, तो यहां पे कितना होगा 2, इधर कितना होगा 6, इधर होगा 2,
ओके okay, मुझे क्या चाहिए, फैक्टर्स चाहिए, कुछ भी करके मल्टीप्लाई करके मुझे क्या लाना है, दैट इज 12। 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान देना, मुझे क्या चाहिए, एक तो क्या चाहिए 4, दूसरा मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए, -12 चाहिए यहाँ पे, -12। ओके अब ये 4 कैसे मिलेगा, तो इट इज क्वाइट सिंपल, ध्यान से देखना, 6 2 सा करेगा तो मुझे क्या मिलेगा 12। आप चाहे तो क्या कर सकते हो, पहले फैक्टर्स निकालो, 2 2 सा कितना आ रहा है 4, 3 1 सा कितना आ रहा है 3, 4 प्लस 3 क्या तो कितना आ रहा है 7। ठीक है, तो ये तो फैक्टर्स क्या हो गए, गलत हो गए, तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 और 3 को लेते, 2 3 सा कितना होता है 6, यहाँ पे 2 1 सा कितना होगा 2, 6 माइनस 2 किया तो कितना आएगा 4 आएगा, तो यहाँ पे हमने क्या किया 6 लिखा और दूसरा क्या किया -2, तो हमारे दो फैक्टर्स आ गए, एक आ गया 6, दूसरा आ गया -2। वैसे मल्टीप्लाई करके भी देखना, 6 इंटू -2, 6 इंटू -2 कितना देगा मुझे -12, मतलब क्या हो गया, हम लोग के फैक्टर्स क्या हो गए, करेक्ट है, तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 के बदले में क्या लिखूंगा 6, हमेशा बड़ा नंबर पहले, -2 इंटू क्या होगा एक्स माइनस, यहाँ पे कितना होगा 12 इक्वल्स टू कितना होगा 0, फिर नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे कितना होगा 6x, माइनस ऑफ माइनस क्या होगा प्लस, साइन क्या होगा चेंज, यहाँ पे होगा -12 इक्वल टू क्या बनेगा 0। अब आते ये वाले पार्ट पे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या होएगा, यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, बाहर माइनस चाहिए, तो अंदर हमें क्या चाहिए रहेगा -2 इंटू यहाँ पे क्या होगा एक्स -8 इक्वल टू यहाँ पे होगा 0। ओके अब नेक्स्ट क्या चाहिए हमें, यहाँ पे 8 का क्या चाहिए फैक्टर, जो क्या रहेगा 2, इधर आएगा दैट इज 4, इधर आएगा 2। ओके क्या करेंगे इसको, एग्जैक्टली पीछे से बांटेंगे, तो 2 2 सा कितना आएगा 4, 2 सा हमें कुछ भी करके क्या लाना है, -2 लाना है, कुछ भी करके क्या चाहिए -8। पहले ऑफकोर्स मैं क्या करूंगा, बड़ा नंबर लिखूंगा, बट विथ कौन सा साइन, माइनस साइन, यहाँ पे क्या होगा +2, तो हमारे दो फैक्टर्स आ गए -4 एंड क्या है 2। सेम चीज यहाँ पे -4 को मल्टीप्लाई किससे करूंगा 2 से। ओके अब आते नेक्स्ट पार्ट पे, तो नेक्स्ट पार्ट के इधर सब्स्टिट्यूट करना हमें, इधर आएगा दैट इज -4 +2 इंटू एक्स -8 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा 0, यहाँ पे क्या होगा साइन चेंज होगा, प्लस 4x -2x -8 इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक है, तो ये क्या है, ओरिजिनल मेथड है जिससे आप सॉल्व करते हो। आपको एक और एक मेथड बताता हूं, अगर आपको ये बहुत टफ लग रहा है, इसका बेसिक्स आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैं आपको और एक एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच बताता हूं, लेकिन प्लीज जस्ट ये जो लास्ट के स्टेप्स है उस पर ध्यान दो। अगर आपको फैक्टर्स निकालने जम नहीं रहा है, मैं आपको और एक एक मेथड बताऊंगा, लेकिन ये लास्ट के जो स्टेप्स है इसको जस्ट ऑब्जर्व करना, क्योंकि ये सेम स्टेप्स आपको आगे भी मिलने वाले, तो ये स्टेप्स आपको याद रखना, तो जस्ट ये जो स्टेप्स है उस पर ध्यान दो। आपको फैक्टर निकालने का मैं और एक एक सिंपलर अप्रोच बताता हूं, जस्ट थोड़ा सा ध्यान देना। ओके तो यहाँ पे अब पहले दो नंबर्स में क्या करना, हमें कॉमन सेलेक्ट करना है, क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स निकालेगा तो इधर क्या बचने वाला है एक्स, माइनस आएगा बीच में, एक्स अगर निकालेगा तो अंदर क्या बचेगा 5। सेम ब्रैकेट को हम लोग क्या करेंगे, आगे रिपीट करेंगे, इधर सिर्फ क्या बच रहा है एक्स आ रहा है ब्रैकेट के अंदर, तो बाहर क्या निकला रहेगा -2। क्या कॉमन है दोनों में, दोनों के कॉमन है एक्स -5, तो पहले वाले ब्रैकेट से क्या आएगा एक्स, दूसरे से बचेगा -2 इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक है, आई होप ये पार्ट क्लियर है। क्या किया, दोनों में एक्स -5 को कॉमन था, उसको क्या किया मैंने बाहर लिया, पहले वाले से क्या बचा एक्स उसको लिखा, दूसरे वाले से क्या बचा -2 उसको लिख दिया। ओके अब इसका क्या मतलब है, एक्स -5 क्या होगा 0 या एक्स -2 क्या होगा 0,
-5 दूसरा गया तो क्या होगा +5, -2 दूसरा गया तो क्या होगा +2। बस ये स्टेप्स पे थोड़ा ध्यान दो, मैं फैक्टराइज करने का एक और एक तरीका बताऊंगा, जस्ट ये स्टेप्स पे थोड़ा ध्यान दो। अब जिसको पहले का स्टेप्स नहीं समझा तो एक और बार ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर को लिखा कैसे जा सकता है, एक्स इंटू एक्स, फाइव एक्स को लिखा कैसे रख सकता है, फाइव इंटू एक्स प्लस इधर क्या आएगा 2x -10 इक्वल टू क्या होगा 0। अब देखना, अब आपको ज्यादा बेटर समझेगा, क्या कॉमन है दोनों में, x कॉमन है, उसको मैंने बाहर लिया, पहले वाले से क्या बचेगा x, दूसरे वाले से क्या बचेगा -5 प्लस यहां पे क्या होगा 2। सेम ब्रैकेट को हम लोग क्या करेंगे, आगे रिपीट करेंगे, तो इधर आएगा x -5 इक्वल टू यहां पे क्या आएगा 0, दोनों में क्या कॉमन है x -5, अंदर क्या आएगा x +2 इक्वल टू इधर क्या होगा 0, इधर क्या होगा x -5 क्या होगा 0 या x +2 क्या हो सकता है 0, -5 दूसरा गया तो क्या होगा +5, +2 दूसरा गया तो क्या होगा -2। अब आते नेक्स्ट पार्ट पे, पहले दो टर्म्स में कॉमन सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक्स कॉमन है, तो पहले वाले टर्म से क्या बचेगा एक्स, बीच का साइन क्या आएगा माइनस, दूसरे वाले से क्या बचेगा 3, सेम ब्रैकेट क्या होने वाला है, आगे रिपीट होने वाला है, अब सिर्फ एक्स आ रहा है तो बाहर क्या आएगा माइनस क्या हो रहा है 2। फिर दोनों का जो कॉमन पार्ट है उसको लेना, एक्स -3 क्या है कॉमन, पहले वाले से क्या बचेगा एक्स, दूसरे वाले से क्या बचेगा -2 इक्वल टू क्या होगा 0, एक्स -3 क्या होगा दैट इज 0, एक्स -2 क्या होगा 0, -3 दूसरा गया तो क्या होगा +3, -2 दूसरा गया तो क्या होगा +2। ओके, सेम चीज यहां पे, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो इधर आएगा एक्स माइनस यहां पे क्या होगा 6। ओके, दूसरे इसमें क्या आएगा, यहां पे +2 क्या है कॉमन, इधर क्या आएगा एक्स माइनस सिक्स, सेम ब्रैकेट को हमें क्या करना है, आगे क्या करना है रिपीट करना है, इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 0, दोनों में क्या कॉमन है एक्स -6 क्या है कॉमन, इधर आएगा एक्स प्लस क्या बचेगा 2, क्योंकि एक्स -6 को कॉमन लेगा तो पहले वाले में क्या बचेगा एक्स, दूसरे वाले में यहाँ पे क्या बचेगा +2 इक्वल टू क्या होगा 0। अब इसका क्या मीनिंग है, एक्स -6 क्या हो सकता है 0 या क्या हो सकता है एक्स +2 क्या हो सकता है 0 हो सकता है, -6 दूसरा गया तो क्या होगा +6, +2 दूसरा गया तो क्या होगा -2। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे क्या कॉमन है, पहले इसमें एक्स कॉमन है, अंदर क्या आएगा एक्स प्लस यहाँ पे क्या होगा 4, सेम ब्रैकेट को हम लोग क्या करेंगे, आगे रिपीट करेंगे। ओके, बाहर क्या आ रहा है -2 बचेगा, वापस क्या कॉमन है दोनों में, एक्स +4 क्या है कॉमन, पहले वाले से क्या बचेगा एक्स, दूसरे वाले से क्या बचेगा -2 इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 0। ओके, आगे आइदर एक्स +4 क्या होगा 0 या एक्स -2 क्या हो सकता है 0, +4 दूसरा गया तो क्या होगा -4, -2 दूसरा गया तो क्या होगा +2। ठीक है, आई होप ये स्टेप्स तो आपको अच्छे से क्लियर है, क्या किया करके कैसे कॉमन लेना। अब जिनको फैक्टराइजेशन बराबर से नहीं समझा, फैक्टर कैसे निकालना है, उनके लिए मैं एक और एक अप्रोच बताता हूं, तो जस्ट ध्यान देना। ओके, अब ध्यान देना, आपको कुछ भी करके दो नंबर्स चाहिए बीच में, दैट इज एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको बीच में क्या चाहिए, दैट इज दो नंबर्स चाहिए, एंड जिनको मल्टीप्लाई करेगा तो आपको क्या मिलना चाहिए 10, एड या सब्ट्रैक्ट करने पे आपको क्या मिलना चाहिए 7। तो 10 का अगर आप क्या निकालोगे फैक्टर्स, तो यहाँ पे आएगा 2 5 आ, क्लियरली आपको दिखना चाहिए 2 और 5 को ऐड किया तो मुझे कितना मिलेगा 7 मिलेगा। लेकिन ध्यान से सुनना, अब ये मेथड में हमेशा पहले जो इधर क्या है माइनस साइन, तो इधर भी कौन सा साइन आएगा माइनस, पहले हमेशा कौन सा टर्म को लिखना, बड़ा टर्म को लिखो, तो इधर कितना आएगा 5x, जो 2 है। अब जरा देखना, यहाँ पे इधर मैंने लिखा 2x, हमें क्या चाहिए बड़ा नंबर चाहिए, तो 5 और 2 कुछ भी करके क्या होना चाहिए ऐड, ऐड कब होता है जब साइंस क्या रहता है सेम रहता है, तब क्या होगा ऐड, तो इधर आएगा -2x।
ओके, आई होप ये फर्स्ट पार्ट क्लियर है कैसे क्या करके, एक और बार समझाता हूँ ध्यान से देखना, जस्ट एक सेकेंड। एक्स स्क्वायर लिखा, इधर का साइन क्या आएगा, माइनस, बीच में हमें दो एक्स के टर्म्स चाहिए एंड इधर क्या आना चाहिए, +10 इक्वल टू क्या होगा, 0। ओके, हमेशा पहले कौन सा टर्म को लिखना, बड़ा टर्म को लिखना, दैट इज 5x, फिर क्या करना, छोटा टर्म को लिखना 2x। अब क्या बोला मैंने, हमें क्या चाहिए, ऐड करके बड़ा नंबर चाहिए। ऐड करने में कब होता है, जब कब दोनों का साइन क्या रहेगा, सेम रहेगा तब, तो यहाँ पे -5x रहेगा तो इधर भी क्या आना चाहिए, -2x। चलो नेक्स्ट देखते, 1 × 10 किया तो कितना होगा, 10, 10 का फैक्टर्स किया तो वापस क्या आ रहा है, 2 और क्या आ रहा है, 5, 1 भी आएगा। ठीक, ओके, क्लियरली दिख रहा है कि 5 और 2 को अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तब जाके क्या मिलेगा मुझे, 3। तो मैं क्या करूंगा, लिखा मैंने एक्स स्क्वायर, इधर का साइन क्या आएगा, माइनस, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 2x के टर्म्स चाहिए और यहाँ पे -10 इक्वल टू क्या होगा, 0। ओके, हमेशा पहले किसको लिखना, बड़ा टर्म को लिखना। अब इस केस में मुझे क्या चाहिए, छोटा नंबर चाहिए। छोटा नंबर मिलेगा कैसे, सब्ट्रैक्ट करने पे मिलेगा। सब्ट्रैक्ट होता है कब है, जब दोनों का साइन क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा तब। तो इसीलिए यहाँ पे -5x रहेगा तो ये क्या आना चाहिए, +2x आना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, बड़े नंबर का साइन क्या आना चाहिए, माइनस, यहाँ पे 2x के टर्म्स चाहिए, इधर क्या आएगा, +6 इक्वल टू क्या होगा, 0। ओके, अब सेम चीज 6 का क्या करेंगे, फैक्टर्स, तो क्या आएगा, 2, इधर क्या आ रहा है, 3 और इधर क्या आ रहा है, 1। क्लियरली दिख रहा है, 2 और 3 को ऐड करने में मुझे क्या मिलेगा, 5। हमेशा ध्यान देना पहले किसको लिखना, बड़े नंबर को लिखो, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3x। ओके, नेक्स्ट, फिर दूसरा नंबर क्या आएगा, 2x। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे दोनों नंबर्स को मुझे ऐड किया तब जाके बड़ा नंबर 5 मिलेगा। दोनों नंबर्स ऐड कब होते हैं, जब दोनों का साइन सेम रहेगा तब। अब आते नीचे के पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे, यहाँ पे फैक्टर्स कितना है, दैट इज 12, तो मिलेगा कैसे, 2, यहाँ पे कितना आ रहा है, दैट इज 6, ओके। तो यहाँ पे फैक्टर्स क्या आएगा, अगर मुझे 12 चाहिए, 12 मुझे मिलेगा कैसे, आई कैन गेट इट फ्रॉम 6, 2 कर सकता हूं, और दूसरा मुझे कैसे मिलेगा, 4, 4 3 से मिलेगा। ये दिख रहा है फैक्टर्स आपको, दिख रहा है एक यहाँ पे दिख रहा है 4 और क्या मिल रहा है, 3, दूसरा आपको फैक्टर्स दिख रहा है, 2 3 जा कितना आ रहा है, 6, और 2 1 जा कितना आ रहा है, 2। तो यही दो आपको फैक्टर्स मिलेंगे। अब ध्यान से देखना कौन सा वाला करेक्ट है, तो लेट्स से एक्स स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 4 और 3 इनको ऐड करके चेक किया कितना आ रहा है, 7। 4 और 3 इनको सप्लाई करके चेक किया कितना आ रहा है, 1। क्या मुझे 4 मिलेगा क्या 4 और 3 से, तो इसका आंसर है नहीं। लेकिन अगर लेट से मैंने क्या किया, 6 और 2 को ऐड किया कितना मिल रहा है, 8। मुझे क्या चाहिए, 4 चाहिए, मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। 6 और 2 को सब्ट्रैक्ट किया कितना आ रहा है, 4। तो 6 और 2 से मुझे मेरा फैक्टर्स मिल रहा है। क्लियर है, एक और बार समझाता हूं। मैंने 4 और 3 से ट्राई किया, 4 और 3 को ऐड करने पे कितना मिल रहा है, 7। मैंने 4 और 3 को सब्ट्रैक्ट किया, 4 और 3 को सब्ट्रैक्ट करने से मुझे कितना मिल रहा है, 1। तो मुझे 4 मिल ही नहीं रहा है। वैसे सेम मैंने क्या किया, 6 और 2 को ऐड किया, 6 और 2 को ऐड करने पे कितना मिल रहा है, 8, नहीं मिल रहा है 4। लेकिन 6 और 2 को सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो इसका मतलब फैक्टर्स क्या रहेगा, 6 एंड क्या रहेगा, 2। ओके, अब ध्यान देना लिखते वक्त हमेशा इधर कौन सा साइन आएगा, माइनस, हमेशा पहले बड़े नंबर को लिखना एंड देन फिर छोटे नंबर को लिखना। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, 4। 4 एक छोटा नंबर है, छोटा नंबर मिलता है कैसे, जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तब। सब्ट्रैक्ट करने में कौन हेल्प करता है, डिफरेंट साइंस। तो अगर इधर -6x रहेगा तो यहाँ पे होगा +2x। आई होप ये पार्ट क्लियर है। वेरी सेम चीज, यहाँ पे 1 × 8 किया तो क्या होगा, 8। 8 का फैक्टर्स क्या आएगा, 2, 4, 2, यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 1। ओके, अब इस केस में इधर क्या चाहिए, मुझे 2 चाहिए, तो फैक्टर्स क्या होगा, 8। 8 मिलेगा कैसे,
8 मिलेगा, 4 2 जा करेगा तो मुझे मिल जाएगा। अगर मैंने क्या किया, 4 प्लस 2 किया, दूसरा कैसे मिलेगा, 8 और 1 से मिलेगा, वो भी बता देता हूँ। 8 और 1 से आपको मिलेगा, 4 और 2 ऐड किया तो कितना होगा, 6, हमें क्या चाहिए, 2। 4 माइनस 2 किया तो कितना आएगा, 2, तो हमें मिल जाता है। वैसे 8 और 1 भी चेक करके देखते क्यों नहीं है, 8 प्लस 1 ऐड किया तो कितना हो रहा है, 9। 8 माइनस 1 किया तो कितना हो रहा है, दैट इज 7। क्या मुझे 2 मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, किससे से मिलता है, 4 और 2 से मिलता है। तो यहाँ पे इधर क्या होगा, इधर आएगा एक्स स्क्वायर, हमेशा पहले बड़े नंबर का साइन, और इधर क्या था प्लस, तो इसके लिए यहाँ पे भी क्या डाला, प्लस। बड़े नंबर को हमेशा क्या लिखना है, पहले, एंड फिर क्या करना है, छोटे नंबर को लिखना है, दैट इज 2x। अब मुझे क्या चाहिए, छोटा नंबर चाहिए। छोटा नंबर बनाने में कौन हेल्प करता है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, साइंस रखना पड़ेगा डिफरेंट। तो इधर आएगा 4x, तो यहाँ पे क्या आएगा, -2x। आई होप ये पार्ट आपको अच्छे से क्लियर है कैसे किया करके। इसमें अगर कुछ डाउट है, आप क्लास में अगर आपको कुछ डाउट रहेगा आप पूछ सकते हो, या जब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तभी हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टाइप है, दैट इज टाइप 2 के क्वेश्चंस। अब टाइप 2 के क्वेश्चन में फर्क क्या है, कि इतने देर से हम लोग जो भी सॉल्व कर रहे थे यहाँ पे क्या रहता था, 1 रहता था। अब इस केस में आगे क्या आता है, नंबर आता है, कुछ सम में ज्यादा फर्क नहीं है, बस ध्यान देना। पहले क्या करना है, 2 को, पिछले बार हम लोग 1 इंटू करते थे, इस बार 2 इंटू 3 कितना होगा, 6। आपको फैक्टर किसका निकालना है, 6 का फैक्टर्स निकालना है। तो क्या आएगा, 2 3 जा, इधर 3 1 जा, कितना आ गया, 1। तो हम लोग को 6 के फैक्टर्स चाहिए। एक फैक्टर क्लियरली दिख रहा है क्या था, दैट इज 2, और क्या था, 3। और दूसरा फैक्टर क्या रहेगा, दूसरा फैक्टर रहेगा 6, मिलेगा कैसे, 6 1 जा कितना होगा, 6 होगा। ओके अब यहां पे आएगा, दैट इज 2x2। नेक्स्ट, अब हमेशा बीच का साइन क्या होगा, प्लस। प्लस तो आ गया यहाँ पे क्लियरली, हमेशा पहले किसको लिखना है, बड़े नंबर को लिखना है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 3x, फिर क्या आएगा, 2x प्लस यहाँ पे होगा 3 इक्वल्स टू क्या होगा, 0। अब मैंने क्यों 2 और 3 लिया है, अब जरा देखना, यहाँ पे 2 प्लस 3 ये किया तो कितना आएगा, 5। 2 माइनस 3 किया तो कितना होगा, दैट इज -1, तो हमें 5 चाहिए था। वैसे इसके थ्रू भी आएगा, जस्ट ध्यान देना, इधर 6 प्लस 1 किया तो क्या होगा, 7। 6 माइनस 1 किया तो कितना होगा, 5। अब देखो इधर भी 5 आ रहा है, इधर भी 5 आ रहा है, तो कौन सा वाला राइट है वो मैं आपको समझा रहा हूं, तो ध्यान देना। तो यहाँ पे फैक्टर्स क्या है, +2 और क्या है, +3। तो अगर मैंने क्या किया, +2 को मल्टीप्लाई किया किसे, +3 के साथ, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, +6, और हमें क्या चाहिए, +6 ही चाहिए। तो ये वाला तो पक्का राइट है। अब इधर देखते, इधर फैक्टर्स क्या है, 6 और क्या है, -1। 6 इंटू अगर मैंने क्या किया, -1, तो मुझे क्या मिलेगा, -6 मिलेगा। हमें क्या चाहिए था, +6 चाहिए था। तो ये वाले फैक्टर्स इसीलिए क्या हो गए, गलत हो गए। आई विल एक्सप्लेन अगेन, ध्यान सुनना, 2 प्लस 3 किया तो भी 5 मिलेगा, और 6 माइनस 1 किया तो भी 5 मिलेगा। ऊपर वाले में फैक्टर्स क्या है, +2 +3 है, जिसको मल्टीप्लाई किया तो मुझे +6 चाहिए, और वही मिल रहा है। लेकिन इधर फैक्टर्स क्या है, 6 और -1 है, 6 इंटू -1 किया तो मुझे मिलेगा -6, मुझे क्या चाहिए था, +6 चाहिए था। तो आ रहा है क्या, नहीं, इसीलिए 6 और -1 को मैंने नहीं लिया यहाँ पे। ओके अब देखते हैं यहाँ पे प्लस तो आयो कैसे आया, समझा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है तो बड़े नंबर का साइन क्या आएगा, प्लस। अब मुझे क्या चाहिए, बड़ा नंबर चाहिए। बड़ा नंबर कौन करता है, हेल्प, प्लस करता है, एडिशन करता है। एडिशन करने के लिए दोनों का साइन क्या रखना है, हमें सेम रखना है। आई होप ये पार्ट क्लियर है। तो यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, 2 और 3 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। एक्स स्क्वायर और एक्स में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, अंदर क्या आएगा, 2x प्लस यहाँ पे एक्स को बाहर निकालेगा तो अंदर क्या बचेगा, 3। सेम ब्रैकेट को हम लोग क्या करते, आगे रिपीट करते, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x प्लस क्या आ रहा है, 3 इक्वल टू क्या होगा, 0। बाहर यहाँ पे क्या आएगा, +1 आएगा। नेक्स्ट, दोनों में कौन सा ब्रैकेट कॉमन है, तो दोनों में 2x प्लस 3 क्या है, कॉमन। पहले वाले का क्या बच रहा है, एक्स, दूसरे वाले का क्या बच रहा है, +1 इक्वल टू क्या आ रहा है, 0। अब इसका क्या मतलब है, आइदर 2x प्लस 3 क्या हो सकता है, 0 हो सकता है,
या एक्स प्लस वन क्या हो सकता है? जीरो पहले, प्लस थ्री दूसरा गया तो क्या होगा? माइनस थ्री, माइनस थ्री अपॉन यहाँ पे क्या होगा? टू। दूसरे केस में प्लस वन इधर गया तो क्या होगा? माइनस वन। तो नेक्स्ट पार्ट में देखते, अब इधर हमें क्या चाहिए? फोर को किसे मल्टीप्लाई करना है? माइनस फिफ्टीन के साथ, तो मुझे क्या चाहिए? माइनस सिक्सटी चाहिए। तो हमें यहाँ पे किसका फैक्टर्स निकालना है? सिक्सटी का। तो यहाँ पे टू से डिवाइड किया तो कितना होगा? थर्टी। टू से डिवाइड किया तो कितना होगा? फिफ्टीन। थ्री से डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना होगा? फाइव। फाइव से डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना होगा? वन। अब क्या करेंगे हम लोग ऐसे के क्वेश्चंस के लिए? इसको क्या करो, बीच में से डिवाइड करने का क्या करना, ट्राई करना। टू टू सा कितना आएगा? फोर। फोर थ्री सा कितना हो गया? दैट इज ट्वेल्व। नेक्स्ट इधर क्या आएगा? दैट इज फाइव। वन सा कितना आएगा? फाइव। तो पहला फैक्टर हमें क्या मिल गया? ट्वेल्व, और क्या मिल गया? फाइव। चलो अब जाते नेक्स्ट टाइप का फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या रहेगा इसका? तो इसका सेकंड फैक्टर हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे कहाँ पे? ऊपर। टू टू सा कितना आएगा? फोर। थ्री फाइव सा कितना होगा? फिफ्टीन। तो यहाँ पे दूसरा फैक्टर हमें मिल गया फिफ्टीन, और क्या मिल गया? फोर। नेक्स्ट हम लोग और एक फैक्टर लेंगे। नेक्स्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर स्किप करेंगे यहाँ पे। तो टू थ्री सा कितना आएगा? सिक्स। और टू फाइव सा कितना आएगा यहाँ पे? टेन। तो हमारा नेक्स्ट फैक्टर यहाँ पे आ गया टेन, और क्या आ गया? दैट इज, सॉरी मेरी गलती हो, टेन, और यहाँ पे कितना आ रहा है? सिक्स। अब कौन सा फैक्टर राइट है, कौन सा रॉन्ग है, वो देखते हैं। एक बार मैं क्या करता हूँ, टेन प्लस फाइव करता हूँ, ये कितना आएगा? दैट इज सेवनटीन। ट्वेल्व माइनस फाइव करता हूँ, कितना आ रहा है? दैट इज सेवन। क्या मुझे फोर मिल रहा है क्या यहाँ पे? तो मेरा आंसर है नहीं। एक में क्या करता हूं, फिफ्टीन प्लस फोर कितना आ रहा है यहाँ पे? नाइनटीन। दूसरा में क्या करता हूं, फिफ्टीन माइनस फोर कितना आ रहा है यहाँ पे? इलेवन। क्या मुझे फोर मिल रहा है क्या? तो आंसर है नहीं। नेक्स्ट टेन प्लस सिक्स कितना आएगा? दैट इज सिक्सटीन। टेन माइनस सिक्स कितना रहा आंसर? फोर। तो हमें अपना फोर मिल गया यहाँ पे। तो हमारा फैक्टर्स क्या है? टेन और सिक्स है। तो यहाँ पे मैंने लिखा फोर एक्स स्क्वायर। हमेशा इधर कौन सा साइन आएगा? माइनस, जो इधर साइन है वही साइन इधर आने वाला है। पहले हमेशा किसको लिखना? बड़ा नंबर लिखना, देन किसको लिखो? छोटा नंबर, सिक्स एक्स आएगा। ओके नेक्स्ट इज, यहाँ पे हमें क्या चाहिए देखना जरा, हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करके छोटा नंबर लाना है। सब्ट्रैक्ट करने में कौन हेल्प करता है? डिफरेंट साइंस। तो अगर इधर माइनस रहेगा तो इधर आएगा दैट इज प्लस। ओके अब ध्यान से देखना, यहां पे फोर और टेन में कौन सा साइन कॉमन है? टू का टेबल क्या है कॉमन? नेक्स्ट एक्स स्क्वायर और एक्स में क्या कॉमन है? एक्स। नेक्स्ट फोर में से अगर टू को बाहर निकाला तो यहां पे क्या बचेगा? टू। एक्स स्क्वायर में से एक्स को कॉमन निकाला तो इधर बचेगा एक्स, बीच का साइन है माइनस। टेन में से अगर मैंने टू को निकाला तो यहां पे क्या बचेगा? फाइव। सेम ब्रैकेट को हम लोग क्या करेंगे, आगे रिपीट करेंगे। ओके बाहर इधर क्या आ रहा है? सिक्स। अंदर क्या आ रहा है? टू। तो बाहर क्या आना चाहिए? थ्री। टू सा किया तो ये क्या मिलेगा? सिक्स। तो बाहर क्या आएगा? प्लस थ्री आएगा। सेम ब्रैकेट को हम लोग लिखेंगे, इधर पहले टर्म से क्या बचेगा? टू एक्स। दूसरे टर्म से क्या बचेगा? प्लस थ्री इक्वल टू क्या होगा? जीरो। इसका क्या मीनिंग है? टू एक्स माइनस फाइव क्या होगा? जीरो। या क्या होगा? टू एक्स प्लस थ्री क्या होगा? जीरो। माइनस फाइव दूसरा गया तो क्या होगा? प्लस फाइव। टू क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई। दूसरा गया तो क्या होगा? डिवाइड। वैसे इधर प्लस थ्री दूसरा गया तो क्या होगा? माइनस थ्री। टू क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई। दूसरा गया तो क्या होगा? डिवाइड। चलो वैसे यहां पे इधर हम लोग क्या करेंगे, फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे इससे एट से, तो मुझे यहाँ पे क्लियरली क्या मिलेगा? फोर्टी मिलेगा। फोर्टी के फैक्टर्स क्या आएंगे? टू, ट्वेंटी, यहाँ पे होगा टेन, इधर आएगा फाइव, इधर आएगा वन। क्या करेंगे इसको एग्जैक्टली कहाँ से डिवाइड करेंगे? बीच में से। तो बीच में से डिवाइड किया तो पहला फैक्टर हमें ऊपर क्या मिलेगा? टू इंटू टू इंटू टू, फाइव। वन क्या मिलेगा? फाइव।
फिर दूसरे के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो कहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ऊपर, यहाँ पे 2 2 जा क्या मिलेगा 4, 2 5 जा कितना मिलेगा 10। नेक्स्ट में यहाँ पे भी सेम मिलेगा, 2 2 जा क्या आएगा 4, वैसे नेक्स्ट में भी क्या मिलेगा वही सेम मिलेगा। तो यही दो फैक्टर्स मेन है। ओके जरा चेक करते कौन सा राइट है। यहाँ पे 8 + 5 किया तो कितना मिलेगा 13, 8 - 5 किया तो कितना मिलेगा 3। तो ऑफकोर्स मुझे 14 चाहिए तो इससे तो मिल ही नहीं रहा है। 10 + 4 करने पे कितना मिलेगा दैट इज 14, 10 - 4 करने पे कितना मिलेगा 6, हमें 14 मिल जाता है। कैसे, ऐड करने पे। तो इधर भी हम लोग सेम वही करेंगे, पहले लिखेंगे 5x², इधर जो साइन है वही सेम इधर डालेंगे। पहले कौन से नंबर को लिखना है, बड़े नंबर को, एंड देन कौन से नंबर को लिखना है, छोटे नंबर को। ओके, अब मुझे क्या करना है, ऐड करके बड़ा नंबर लाना है। ऐड करने के लिए दोनों टर्म्स का साइन क्या रहना चाहिए, सेम। तो इधर +10x आ रहा है तो इधर भी क्या आना चाहिए, +4x। 5 और 10 में कौन सा क्या कॉमन है, 5 का टेबल कॉमन है। x² और x में क्या कॉमन है, x कॉमन है। अंदर क्या आएगा, x + यहाँ पे क्या आएगा 2। सेम ब्रैकेट को हम लोग क्या करेंगे, आगे रिपीट करेंगे। ओके, यहाँ पे x सिर्फ आ रहा है तो बाहर क्या आएगा, +4 इक्वल टू क्या होगा 0। दोनों में क्या कॉमन है, x + 2 कॉमन है। इधर क्या आएगा दैट इज 5x + यहाँ पे क्या है 4 इक्वल टू क्या है 0। ओके, तो इधर क्या आएगा x + 2 इक्वल टू क्या होगा 0। दूसरे इसमें क्या आएगा 5x + 4 इक्वल टू क्या होगा 0, +2 दूसरा गया तो क्या होगा -2, +4 दूसरा गया तो क्या होगा -4। एक्स इक्वल टू यहाँ पे होगा -4/ यहाँ पे होगा 5। ओके, तो यहां से हम लोग दैट इज ए टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहले यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है नंबर क्या है 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 54 के साथ। तो हमें फैक्टर्स किसका निकालना है, 54 का। तो कितना आएगा 2, 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे होगा 27, 3 यहाँ पे कितना होगा दैट इज 9, अगेन 3 यहाँ पे होगा 3, और इधर कितना आना चाहिए 1। तो सबसे पहले हम लोग इसका फैक्टर्स निकालते हैं। तो 54 का क्या क्या फैक्टर्स आ सकता है, चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा कितना आएगा 6, 6 3 जा कितना आएगा 18, 3 1 जा कितना आएगा 3, तो यहाँ पे होगा 18 और एक आ गया 3। नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो लाइन है इसको कहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ऊपर। तो हमारे क्या पास क्या बचने वाला है, 2 3 जा कितना आएगा 6 और 3 3 जा कितना आएगा 9। अब देखते हैं इसमें से कौन सा फैक्टर हमारा राइट है कि रॉन्ग है। चलो देखते, पहले 18 + 3 कितना आएगा 21, हमें 15 चाहिए। 18 - 3 क्या तो मुझे कितना मिलेगा, 15 मिल जाएगा। अब देखते हैं राइट है कि रॉन्ग है। 18 - -3 मुझे देगा -54। क्या मुझे -54 मिल रहा है क्या यहाँ पे, नहीं, मुझे क्या मिल रहा है +54 चाहिए। तो ये 18 और -3 वाला फैक्टर क्या हो गया, गलत हो गया, ये सही नहीं। दूसरा हम लोग करते, 9 + 6 किया तो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। 9 - 6 किया तो कितना आ रहा है 3, तो ये वाला फैक्टर है 9 + 6। अब जरा मल्टीप्लाई भी करके देखते, 9 * 6 मुझे कितना देगा, 54 देगा, दिख रहा है यहाँ पे क्लियर है। और मुझे क्या चाहिए, +54 ही चाहिए। तो 9 और 6 हमारा क्या हो गया, करेक्ट फैक्टर्स है। ओके, तो पहले यहाँ पे लिखूंगा x², इधर साइन आएगा माइनस, हमेशा पहले बड़े नंबर को लिखना है एंड देन छोटे नंबर को। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, बड़ा नंबर चाहिए। बड़ा नंबर मिलता है कैसे, ऐड करके। ऐड कब होता है, जब दोनों का साइन सेम रहेगा तब। दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो अंदर आएगा x - 9। सेम ब्रैकेट को हम लोग क्या करेंगे, आगे रिपीट करेंगे। बाहर x सिर्फ बच रहा है तो बाहर क्या आएगा -6। अब क्या कॉमन है दोनों में, क्लियरली दिख रहा है x - 9 कॉमन है। पहले वाले से क्या बचेगा x, दूसरे वाले से क्या बचेगा -6। अब यहाँ पे x - 9 क्या हो रहा है 0, और दूसरा क्या आ रहा है x - 6 कितना हो रहा है 0। -9 दूसरा गया तो क्या होगा +9, -6 दूसरा गया तो क्या हो रहा है +6। सेम यहाँ पे भी 1 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 20 से। तो 1 को अगर 20 से मल्टीप्लाई किया तो हमें कितना मिलेगा 20,
नेक्स्ट इज यहां से क्या करेंगे, 2 से डिवाइड, ये कितना होगा 10, इधर आएगा 5, इधर आएगा दैट इज 1। ओके नेक्स्ट यहाँ पे मैंने 20 लिखा, फैक्टर्स निकालना है, तो पहले इसको एग्जैक्ट बीच में से डिवाइड करो, क्या रहा है इसका फैक्टर्स आ रहा है, 2 2 4 और 5 1 कितना आ रहा है 5। दूसरा क्या करेंगे, एक नंबर स्किप करके करो, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 5 कितना आ रहा है 10, 2 1 कितना आ रहा है 2। ठीक है, एक बार ऐड करके देखना, 5 प्लस 4 कितना हो रहा है 9, हमें क्या चाहिए यहाँ पे 1 चाहिए, नहीं हो रहा है। 5 माइनस 4 किया तो कितना आ रहा है दैट इज 1, तो हमें 1 मिल गया। ओके नेक्स्ट मल्टीप्लाई करके देखो, 5 इंटू -4, 5 इंटू -4 किया तो कितना हो रहा है -20, तो हमारा आंसर हमें मिल गया है दैट इज 5 और क्या है -4। यहाँ पे लिखा 1x², इधर क्या आएगा प्लस साइन, जैसे इधर साइन है वही सेम, हमेशा पहले बड़े नंबर को लिखना है तो लिखा 5x, आगे क्या होगा 4x - 20 इक्वल्स टू 0, हमें क्या चाहिए 1 चाहिए, 1 कैसे मिलेगा सब्ट्रैक्ट करने पे, सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइंस क्या रहना चाहिए डिफरेंट, तो अगर +5x रहेगा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए -4x। अब दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, अंदर क्या आ रहा है x प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है 5, सेम ब्रैकेट को हम लोग क्या करेंगे आगे रिपीट करेंगे, बाहर क्या आएगा, बाहर आएगा -4, दोनों में क्या कॉमन है x प्लस 5 कॉमन है, अंदर क्या आ रहा है x माइनस क्या आ रहा है 4 इक्वल टू क्या आ रहा है 0। अब इससे क्या दिख रहा है, x प्लस 5 क्या होगा 0, x माइनस 4 क्या होगा 0, x प्लस 5 इक्वल्स टू क्या रहेगा -5, x माइनस 4 इक्वल्स टू क्या आएगा +4। नेक्स्ट यहाँ पे इधर हमें क्या करना पड़ेगा, 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसे, 13 से, तो कितना आ रहा है 26, 26 का क्या आ रहा है फैक्टर्स 2, इधर आ रहा है 13, इधर कितना आ रहा है 1, तो 26 का फैक्टर्स लिखेंगे, 26 का पहला फैक्टर क्या है क्लियरली दिख रहा है 2, और क्या आ रहा है 13, 1 कितना आ रहा है 30। एक दूसरा फैक्टर क्या है, इसको इधर शिफ्ट करो, 2 इंटू 13 कितना आ रहा है 26 और क्या हो रहा है 1। ओके अब नेक्स्ट पहले दोनों क्या करो ऐड करो, ऐड किया तो कितना आ रहा है 15, हमें कितना चाहिए 27, मैच हो रहा है क्या, नहीं। फिर एक बार दोनों को क्या करो सप्रैक्ट करो, सप्रैक्ट करने पे कितना आ रहा है 11, हमें कितना चाहिए 27, मैच हो रहा है क्या, नहीं, तो ये तो गलत ही हुआ। नेक्स्ट क्या लेंगे, 26 प्लस 1, ऐड किया तो कितना हो रहा है 27, मैच हो रहा है क्या, यस। दूसरा क्या लेंगे, 26 माइनस 1 कितना हो रहा है 25, मैच हो रहा है क्या, नहीं मैच हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है, तो सबसे पहले चीज यहाँ पे इधर आएगा 2y², हमेशा इधर क्या आएगा प्लस साइन, जैसे इधर प्लस है तो इधर भी क्या आएगा प्लस, बड़े नंबर को क्या लिखना है पहले, छोटे नंबर को क्या लिखना है बाद में। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, ऐड करके बड़ा नंबर लाना है, ऐड करने के लिए कौन हेल्प करता है, दोनों का साइन सेम रहेगा तो क्या करेगा ऐड, 2 और 26 में कौन कॉमन है 2, y² और y में क्या कॉमन है y, अंदर क्या आएगा y प्लस कितना होगा 30, सेम ब्रैकेट को हम लोग क्या करेंगे आगे रिपीट करेंगे, बाहर क्या आ रहा है, बाहर आएगा +1 आएगा, दोनों में क्या कॉमन है y +13 कॉमन है, पहले से क्या बचेगा 2y, इधर से क्या आएगा +1 इक्वल टू क्या होगा 0, y +13 इक्वल्स टू क्या होगा 0, 2y +1 इक्वल्स टू क्या होगा 0, +13 दूसरा गया तो क्या होगा -13, 2y +1 दूसरा गया तो क्या होगा -1, 2y को मल्टीप्लाई कर रहा है दूसरा गया तो क्या होगा डिवाइड, हमेशा याद रखना पहले ऐड सबट्रैक्ट को दूसरा लेके जाने के बाद डिवाइड मल्टीप्लाई का स्टेप करना। यहाँ पे पहले इसको क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, ये क्या इधर किसको मल्टीप्लाई करना है 5 और 15 को, जो क्या आएगा 75, क्या करेंगे यहाँ पे पहले आएगा 5, इधर क्या आएगा 25, फिर वापस 5, सॉरी मैं गलती 15 आएगा, मैं गलती हो, इधर आएगा 3। ओके क्या करना है एज यूजुअल इसको पहले डिवाइड करो, तो 75 के क्या क्या फैक्टर्स आएंगे, एक आएगा दैट इज 25, दूसरा क्या आएगा 3, नेक्स्ट क्या आएगा फैक्टर 5 को 3 से 5 को 1 से, तो इधर कितना आएगा 15 और क्या आएगा 1। ठीक है अब फैक्टर्स को ये करते, 25 प्लस 3 क्या तो कितना होगा 28, 25 माइनस 3 क्या तो कितना आ रहा है 22, 22 आ रहा है, मतलब जस्ट चेक भी करते
-3 कितना आ रहा है, -75। और यहाँ पे देख भी सकते हैं 5 × -15 कितना हो रहा है, -75। तो हमारा आंसर क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो इधर आएगा 5m², इधर कौन सा साइन आएगा माइनस, क्योंकि इधर माइनस है करके, इधर आएगा 25m, इधर क्या आएगा 3m, माइनस क्या होगा 15, इक्वल टू क्या होगा 0। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, छोटा नंबर चाहिए। छोटा नंबर मिलेगा कैसे, जब दोनों का साइन डिफरेंट रहेगा, सब्ट्रैक्ट होगा तब। तो इधर अगर -25 रहेगा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, दैट इज +3 आना चाहिए। अब 5 और 25 में कौन सा टेबल कॉमन है, 5 का। m² और m में क्या कॉमन है, m कॉमन है। तो इधर पहले इसमें क्या बचेगा, m माइनस यहाँ पे क्या आएगा 5। सेम ब्रैकेट को हम लोग क्या करेंगे, आगे रिपीट करेंगे, बाहर क्या आएगा दैट इज +3। दोनों में क्या कॉमन है, m -5 कॉमन है। अंदर क्या आएगा दैट इज 5m प्लस क्या आएगा 3 इक्वल टू क्या होगा 0। m -5 इक्वल टू 0 हो सकता है, और दूसरा 5m +3 इक्वल टू क्या हो सकता है, 0। -5 दूसरा गया तो क्या होगा +5, यहाँ पे पहले +3 दूसरा गया तो क्या होगा -3, 5 मल्टीप्लाई कर रहा है दूसरा गया तो क्या होगा डिवाइड होगा। नेक्स्ट वाले में सेम चीज, यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 13 से। तो हमें किसका फैक्टर्स निकालना है, 13 का। तो इधर आएगा 13 और इधर कितना होगा 1, एक ही फैक्टर मिल रहा है 13 और 1। तो यहाँ पे आएगा 1m², इधर क्या आ रहा है दैट इज माइनस साइन आएगा, क्यों, क्योंकि हमेशा माइनस जो साइन बीच का साइन का रहता है वही डालना है। फिर क्या करना है, बड़े नंबर को पहले लिखते एंड देन छोटे नंबर को। क्लियर देख रहा, हमें बड़ा आंसर चाहिए, बड़ा आंसर लाने में कौन करता है ऐड, ऐड के लिए साइंस क्या रहना चाहिए, सेम। ओके, 1m² और -13m में क्या कॉमन है, m। इसमें क्या बचेगा, m माइनस क्या आएगा 13। सेम ब्रैकेट को हम लोग क्या करेंगे, आगे रिपीट करेंगे, क्या बच रहा है यहां से, इधर आ रहा है -1। दोनों में क्या कॉमन है, m -13, अंदर क्या बच रहा है, m -1 इक्वल टू क्या होगा 0। इसका क्या मतलब है, m -13 क्या हो सकता है 0, m -1 क्या हो सकता है 0। -13 दूसरा गया तो क्या होगा +13, -1 दूसरा गया तो क्या होगा +1। फिर आते इधर, इधर 3 को कैसे करना है, 10 से। तो क्या आ रहा है 30, 30 को पहले क्या करेंगे 3 से, इधर आएगा 10, इधर आएगा 2, इधर आएगा 5 और क्या आ रहा है 1। एग्जैक्टली बीच में से डिवाइड करो, 3 2 सा कितना आ रहा है 6 और क्या आ रहा है 5। ये पहला फैक्टर हो गया। दूसरा क्या कह सकते हैं, 3 को 5 के साथ तो कितना आ रहा है 15, और 2 को किससे, 1 के साथ कितना आ रहा है 2। ठीक है, और कोई फैक्टर्स, हाँ एक और एक फैक्टर है, 2 5 सा कितना हो रहा है दैट इज 10, 3 1 सा कितना हो रहा है दैट इज, और कोई जोड़ी नहीं बन रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट 6 और 5 को ऐड किया तो कितना मिल रहा है, तो 6 और 5 को ऐड किया तो 11 मिलता है। 6 - 5 को कितना किया तो ऐड किया तो कितना मिलता है 1। ठीक है, तो 1 हमें चाहिए। वैसे 3 × -10 मुझे कितना चाहिए, -30 चाहिए। ठीक है, -30। 6 × -5 क्या देगा मुझे, -30 मिल गया। तो मतलब हमारा फैक्टर्स क्या रहेगा, 6 और क्या रहने वाला है -5। तो इधर लिखा दैट इज 3x², बीच का साइन माइनस है तो यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस। बड़े नंबर को पहले लिखना एंड देन छोटे नंबर को। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, छोटा नंबर चाहिए। छोटा नंबर लाने में कौन हेल्प करता है, डिफरेंट साइंस। अगर एक माइनस रहेगा तो दूसरा क्या रहना चाहिए, प्लस। 3 और 6 में कौन सा टेबल कॉमन है, 3 का। x² और x में क्या कॉमन है, x कॉमन है। अंदर क्या आएगा x, बीच का साइन माइनस, 3 2 का कितना होता है 6। सेम ब्रैकेट को हम लोग क्या करेंगे, आगे रिपीट करेंगे। ओके, बाहर क्या आएगा, अगर x आ रहा है तो बाहर क्या आने वाला है, +5 आएगा। फिर दोनों में क्या कॉमन है, x -2 कॉमन है। इधर क्या आएगा 3x प्लस क्या आएगा 5 इक्वल टू क्या हो रहा है 0। ओके, इसका क्या मीनिंग है, x -2 क्या होएगा 0, या 3x प्लस 5 क्या होगा 0। -2 दूसरा गया तो क्या होगा +2। इस केस में पहले एडिशन वाले पार्ट को दूसरे लेके गया तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लीकेशन को दूसरे लेके गया तो क्या होगा डिवीजन। पहले ऐड सब्ट्रैक्ट को दूसरी साइड, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड को दूसरी साइड लेके जाना है। ओके, अब इस क्वेश्चन में इधर आएगा 3y² प्लस 15y, यहाँ पे गया तो क्या होगा -15y। 3 और 15 में कौन सा टेबल कॉमन है, 3 का। y² और y में क्या कॉमन है, y। अंदर क्या बचेगा, y।
थ्री कितना है 15 होता है, 3 फाइव कितना होता है 15। अब इसका क्या मीनिंग है, आइदर हमारा 3y, इधर दो फैक्टर्स, ये हमारा पहला फैक्टर है और ये हमारा क्या है दूसरा फैक्टर है। तो इससे हमें क्या समझ रहा है, आइदर हमारा 3y इक्वल टू 0 रहेगा या माई माइनस फाइव इक्वल टू क्या होगा 0। वाई इक्वल टू 0/3 क्या होगा 0, माइनस फाइव दूसरा गया तो क्या होगा प्लस फाइव। अब इस केस में हम नोटिस क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में है, जब भी फ्रैक्शन में रहेगा तो मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय हम लोग क्या करेंगे 2, तो इधर आएगा 4x² माइनस 4x, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल कितना आएगा दैट इज 1। हमें मल्टीप्लाई किसको करना है 4 1 जा, तो इधर कितना आ रहा है 4, 4 के फैक्टर्स क्या यहाँ पे 2 2 और इधर कितना आ रहा है 1। क्लियरली दिख रहा है 4 के क्या क्या फैक्टर्स आ सकते हैं, एक आ सकता है 2 2 जा, दूसरा आ सकता है 4 1 जा। चेक भी करते हैं 2 + 2 क्या तो कितना आता है 4, हमें क्या चाहिए बीच में 2 चाहिए, 2 - 2 क्या तो क्या होता है 0, हमें क्या चाहिए 2, तो ये तो मैच ही नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इज यहाँ पे, ओ सॉरी मेरा गलती हुआ, यहाँ पे हमें बीच में 4 चाहिए, यहाँ पे 2 नहीं चाहिए हमें 4 चाहिए, ये इक्वेशन हमें देखना है, ये वाला हमें 4 चाहिए। तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे फैक्टर्स मिल गया है। ओके जरा देखते हैं 4 × 1 कितना होता है 4, 2 × 2 किया तो हमें क्या मिल रहा है प्लस 4 मिल भी रहा है, तो मतलब 2 और 2 क्या रहेगा हम लोग का करेक्ट फैक्टर्स रहेगा। इधर आएगा 4x², बीच में कौन सा साइन है माइनस, तो यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस, इधर आएगा 2x, दूसरा क्या आएगा 2x + 1 = 0। हमें क्या चाहिए बड़ा नंबर चाहिए, बड़ा नंबर मिलता है कैसे ऐड करके, ऐड करने के लिए दोनों फैक्टर्स का साइन क्या रहना चाहिए सेम, तो अगर इधर माइनस रहेगा तो यहाँ पे भी क्या होगा माइनस। 4 और 2 में क्या कॉमन है 2 का टेबल, x² और x में क्या कॉमन है x, अंदर क्या आएगा 2 और इधर क्या होगा x, बीच का साइन क्या है माइनस, 2x को अगर बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा 1। सेम फैक्टर को हम लोग आगे लिखेंगे, 2x - 1 आ रहा है, बीच का साइन क्या आएगा माइनस, इधर क्या आएगा माइनस, दोनों ब्रैकेट में क्या कॉमन है 2x - 1, इधर भी क्या होएगा 2x - 1 = क्या होगा 0। ओके क्लियरली दिख रहा है 2x - 1 = 0, इधर भी सेम वही आ रहा है। अब पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन को दूसरे लेके आना है, इधर क्या आएगा -1 दूसरे गया तो क्या होगा +1, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दूसरे गया तो क्या होगा डिवीजन, इधर भी सेम +1 होएगा दूसरा गया तो क्या होगा डिवाइड होगा। ठीक नेक्स्ट में यहाँ पे इट इज 6x -2/x = कितना है 1। एक्स फ्रैक्शन में दिख रहा है तो मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय क्या करेंगे एक्स, इधर आएगा 6x² -2 = क्या होगा 1x, क्या करेंगे इसको इस तरह लेके आएंगे +1x, इधर गया तो क्या होगा -1x, -2 = क्या होगा 0। हमें मल्टीप्लाई किसको करना है 6 और 2 को करना है या -2 को, कितना आता है दैट इज 12, 12 का फैक्टर्स क्या 2 6। ओके क्लियरली दिख रहा है, तो 12 के क्या क्या फैक्टर्स आ सकते हैं, एक आ सकता है इसको बीच में से डिवाइड करो तो क्या आएगा 4 और इधर कितना आएगा 3, दूसरा फैक्टर क्या है 2 3 जा कितना आता है 6, 2 1 जा कितना आता है 2। ओके 4 + 3 क्या तो कितना होगा 7, मैच हो रहा है क्या नहीं, 4 - 3 क्या तो कितना हो रहा है 1, मैच हो रहा है क्या यस, क्योंकि हमें क्या चाहिए 1। 4 × -3 करके देखते, 4 × -3 मुझे देगा -12 और हमें चाहिए भी कितना था 6 × -2 क्या होता है -12 होता है। तो क्लियरली हमें देख रहा है हम लोग को हमारा फैक्टर्स मिल गया है, तो यहाँ पे तो 6x², बीच का साइन क्या है माइनस, तो इधर भी क्या होगा माइनस, हमेशा पहले बड़े टर्म को एंड देन छोटे टर्म को। अब क्या चाहिए मुझे -1x चाहिए, -1x के लिए क्या करना पड़ेगा छोटा नंबर, छोटा नंबर के लिए सबट्रैक्ट, सबट्रैक्ट के लिए दोनों का साइन क्या रहना चाहिए डिफरेंट। नेक्स्ट 6 और 4 में कौन सा टेबल कॉमन है 2 का, x² और x में क्या कॉमन है x, अंदर 2 3 जा कितना आएगा 6 और क्या बचेगा x, बीच का साइन माइनस, 2 2 जा किया तो कितना होगा 4। सेम ब्रैकेट को हम लोग क्या करेंगे आगे रिपीट करेंगे। ओके 3x पूरा ही आ रहा है तो इसका मतलब बाहर क्या आएगा +1 आएगा, तो पहला फैक्टर हमारा 2x + 1 और 3x - 2 जो कॉमन वाला पार्ट है उसको, अगर उसको कॉमन लेगा तो हमारे पास क्या बचेगा 2x और क्या बचने वाला 1 जो हमने बीच में लिखा है। नेक्स्ट 2x + 1 कितना होगा 0, दूसरा 3x - 2 क्या होगा 0। तो पहले
प्लस वन दूसरा गया तो क्या होगा माइनस वन, फिर डिवीजन दूसरा मल्टीप्लीकेशन दूसरा गया तो क्या होगा डिवीजन, सेम चीज इधर माइनस टू दूसरा गया तो क्या होगा प्लस टू, और यहाँ पे टू थ्री मल्टीप्लाई कर रहे तो दूसरा गया तो क्या होगा डिवाइड होगा। अब इस केस में हमें क्या करना है, ब्रैकेट्स को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो 2m into m होगा 2m square, एक साइन माइनस है तो क्या होगा माइनस, यहाँ पे क्या होगा 48m, फिर प्लस 50 इधर गया तो क्या होगा माइनस 50 इक्वल्स टू क्या होगा जीरो, टू को किससे मल्टीप्लाई करना है 50 से, कितना आएगा दैट इज 100, तो यहाँ पे आएगा 2, इधर कितना आएगा 50, इधर आएगा 2, 25, इधर कितना होगा 5, इधर कितना हो रहा है 1, क्या करेंगे हम लोग एग्जैक्टली बीच में से डिवाइड करेंगे, इधर आएगा 2 2 4, और इधर कितना आएगा दैट इज 5 5 25, नेक्स्ट इज कहाँ पे बांटना है इसको नीचे, 2 into 2 कितना है 4, 4 into 5 कितना है 20, और 5 1 कितना होता है 5, नेक्स्ट इसको कहाँ पे बांटेंगे ऊपर, अकेला 2 बच रहा है, बचा हुआ क्या 2 5 कितना है 10, 10 5 कितना आ रहा है 50, पहले 25 + 4 कितना आ रहा है 29, 25 - 4 कितना आ रहा है 21, हमें क्या चाहिए 48, मैच ही नहीं हो रहा है, नेक्स्ट 20 + 5 कितना आ रहा है 25, 20 - 5 कितना आ रहा है 15, मैच हो रहा है क्या 48, नहीं, नेक्स्ट 50 + 2 कितना आ रहा है 52, 50 - 2 कितना आ रहा है 48, मैच हो रहा है क्या, ऑफकोर्स मैच हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा 2m², बीच का साइन माइनस है तो इधर भी क्या आएगा माइनस, पहला हमेशा बड़ा नंबर देन छोटा नंबर देन यहाँ पे क्या होगा 50, ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, अभी हमें क्या चाहिए छोटा नंबर चाहिए, छोटा नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट के लिए दोनों का साइन को क्या रखेंगे डिफरेंट, 2 और 50 में कौन सा टेबल कॉमन है 2 का, एम स्क्वायर एम में क्या कॉमन है एम, 2 1 आता है, एम स्क्वायर में क्या बचेगा एम, 2 कितना सर होता है 25, तो अगर 2 को बाहर निकाले तो बचेगा क्या 25, एम को तो हमने ऑलरेडी क्या किया कॉमन लिया, सेम ब्रैकेट को हम लोग क्या करेंगे आगे रिपीट करेंगे, बाहर क्या आएगा तो बाहर आएगा प्लस 2, क्या कॉमन है दोनों में m माइनस 25, इधर क्या आएगा दैट इज 2m + 2 इक्वल्स टू क्या होगा 0, m माइनस 25 क्या है 0, 2m + 2 क्या है 0, माइनस 25 दूसरा गया तो क्या होगा प्लस 25, प्लस 2 दूसरा गया तो क्या होगा माइनस 2, 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरा गया तो क्या होगा डिवाइड, m का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा माइनस, नेक्स्ट इज 25m² दिया है प्लस 9 इधर गया तो क्या होगा माइनस 9, ठीक है अब ये कौन सा फॉर्मूला है a² - b² का, आगे 25m² इधर क्या है 9, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे 25 को लिख सकता हो 5, एम स्क्वायर को लिख सकता हो m, इसका क्या आएगा होल स्क्वायर, 9 को कैसे लिख सकता हूँ 3 का क्या होगा होल स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला है a² - b², तो इसको लिखूंगा a + b और दूसरा लिखूंगा a - b, इसका क्या मतलब है 5m + 3 क्या हो सकता है 0, 5m - 3 क्या हो सकता है 0, +3 दूसरा गया तो क्या होगा -3, 5 मल्टीप्लाई कर रहा है दूसरा गया तो क्या होगा डिवाइड, सेम चीज -3 दूसरा गया तो क्या होगा +3, 5 मल्टीप्लाई कर रहा है दूसरा गया तो क्या होगा डिवाइड, वैसे इधर -+21 इधर गया तो क्या होगा -21m इक्वल टू क्या होगा 0, दोनों में कौन सा टेबल कॉमन है 7, m² m में क्या कॉमन है m, तो अंदर क्या आएगा m - 3 इक्वल टू क्या होगा 0, इसका क्या मतलब है 7m क्या होगा 0 होगा, m - 3 क्या होगा 0, 7 मल्टीप्लाई कर रहे दूसरा गया तो क्या होगा डिवाइड 0/7, इसका वैल्यू कितना होगा 0, -3 दूसरा गया तो क्या होगा +3, सेम यहां पे भी ओके okay, अब 11 का तो कोई स्क्वायर रूट नहीं है तो इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 11 का होल स्क्वायर, यहां पे क्या आएगा m - √11 a - b, m + √11 a + b, m - √11 किसके बराबर रहेगा 0, -√11 दूसरा गया तो क्या होगा +√11, वैसे m + √11 इक्वल टू क्या होगा 0, +√11 दूसरा गया तो क्या होगा -√11, वैसे सेम x²
3 यहाँ पे गया तो क्या होगा, माइनस थ्री। इसको कैसे लिखे, 3 का कोई स्क्वायर रूट नहीं, इसको लिखना कैसे चाहिए, रूट 3 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर। कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस रूट थ्री, एक्स प्लस क्या लिखेंगे, रूट थ्री। माइनस रूट थ्री दूसरे गया तो क्या होगा, प्लस रूट थ्री दूसरे गया तो क्या होगा, माइनस रूट थ्री। तो इसका मतलब कि एक्स के दो रूट्स आए, एक क्या आएगा रूट थ्री, दूसरा क्या आएगा माइनस रूट। तो इसी के साथ हम लोग का फैक्टराइजेशन वाला पार्ट भी क्या होता है, कंप्लीट ऑफ हो जाता है। कल हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड दैट इज फॉर्मूला मेथड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसे रिलेटेड वीडियो में डाल दूंगा। ठीक, थैंक यू।